उदितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजम्। ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। हम सबका जीवन परोपकार में हो। मामा जी, हवन को लेकर मेरे मन में कुछ सवाल हैं। अब क्योंकि ऐसे परिवार में मैं आ गई हूँ जहाँ रोज हवन होता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हवन में पूरी निष्ठा से भाग लूँ, और ये तभी हो सकेगा जब मेरी सारी शंकाएं दूर हों। भैया, आप लोग बातें करें। आज आप इन बच्चों की सारी शंकाएं दूर कर दें। कहिए, हवन के बारे में आपकी क्या शंकाएं हैं? हवन वास्तव में है क्या? क्या ये कर्मकांड है जो हमने अभी किया? हवन एक प्रकार का यज्ञ है, और यज्ञ पांच प्रकार के होते हैं। पांच प्रकार के? कौन कौन से पांच प्रकार के? ये यज्ञ हैं ब्रह्म यज्ञ यानी परमात्मा का ध्यान, बलि वैष्णोदेव यज्ञ यानी पशु पक्षियों की रक्षा, पितृ यज्ञ अर्थात माता पिता व बुजुर्गों की सेवा, अतिथि यज्ञ यानी विद्वानों और घराई की सेवा, देव यज्ञ अर्थात प्राकृतिक देवों, जल वायु और वनस्पति का शोधन और रक्षण। परोपकार की भावना से किया गया हर काम यज्ञ है। यज्ञ की मूल भावना है परोपकार, और हवन करने से मनुष्य का कर्ज भी उतरता है। कर्ज? वो कैसे मामा जी? मनुष्य के ऊपर तीन प्रकार के कर्ज होते हैं। कैसे कर्ज? हमें किसी को पैसा देना होता है? नहीं बेटा, ये तीन कर्ज हैं ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। ज्ञान के दान से ऋषियों का ऋण उतरता है, और पितृ सेवा से पितरों का। हवन से जल वायु और वनस्पति जैसे देव जो हमेशा हमारा कल्याण करते हैं उनका ऋण उतरता है। मामा जी, इसके अलावा हवन से और क्या फायदे हैं? हवन के फायदे हैं तन की शुद्धि, मन की शुद्धि, पर्यावरण की शुद्धि और वर्षा की कमी को दूर करना। हवन मनुष्य, पशु पक्षियों और पेड़ पौधों सबके लिए अच्छा है। मामा जी, हवन की परंपरा कितनी पुरानी है? हवन की परंपरा तो अति प्राचीन है। ऋषि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए राजा दशरथ द्वारा राम लक्ष्मण को भेजने की कथा तो हम सबने सुनी। महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने भी रासु यज्ञ रचाया था। पुरातत्वों के प्रमाण बताते हैं कि कंबोडिया, बाली, सुमात्रा जैसे अनेक देशों में भी किसी न किसी रूप में हवन का प्रचलन रहा है। शहीद भगत सिंह के दादा अर्जुन सिंह तो नित्य हवन किया करते थे। भाई परमानंद और पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जैसे अनेक क्रांतिकारी तो जेल में भी हवन किया करते थे। नाश्ता तैयार है, आप लोग अंदर आ जाइए। अच्छा जी। मामा जी, हवन किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? बेटा, हवन के तीन उद्देश्य हैं, देव पूजा, संगतिकरण और दान। मतलब देना भी पड़ता है? हाँ बेटा, देना भी चाहिए। जल वायु वनस्पति का शोधन और संरक्षण तथा इदम न मम की भावना, यानी यह जो मैं दे रहा हूँ यह मेरा नहीं है, सब परमात्मा का है, देव पूजा है। समाज में एकता बनाना, ईर्ष्या और द्वेष न रखकर हवन करना संगतिकरण है, तथा धन में, ताकत में और ज्ञान में जो अपने से कम है उन्हें देते हुए चलने की भावना दान है। समझी? आप चल। मामा जी, लेकिन हवन से वातावरण की शुद्धि कैसे संभव है? रूम फ्रेशनर से कमरे की वायु कैसे सुगंधित होती है, बॉडी स्प्रे से शरीर कैसे सुगंधित होता है, सिद्धांत एक ही है, सुगंध के अणु वायु में फैल जाते हैं। एक जरा सा बधार जिस तरह से मटके की पूरी छाछ को सुगंधित कर देता है, या सूखी मिर्च जलाने पर किस तरह से अड़ोस पड़ोस में भी छींके आ जाती हैं, उसी तरह से अग्नि में जलने से सामग्री के अणु भी हवा में फैल जाते हैं और हवा को शुद्ध करते हैं। सन 2010 में घाटकोपर मुंबई में आचार्य ज्ञानेश्वर जी के निर्देशन में किए गए एक दैनिक यज्ञ शिविर के दौरान नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए परीक्षणों की यह रिपोर्ट दर्शाती है कि यज्ञ स्थल पर प्रतिदिन हानिकारक गैसों में निरंतर कमी आई। लेकिन घी और लकड़ी आदि जलने से धुआं और दूसरी हानिकारक गैसें भी तो पैदा होती हैं। हवन यदि ठीक तरह से किया जाए तो न तो धुआं ही पैदा होगा और न ही अधिक मात्रा में हानिकारक गैसें ही पैदा होंगी। ये ठीक तरीका क्या है, बच्चों को जरा विस्तार से बताओ सुबोध। हवन कुंड का आकार शास्त्र के अनुसार हो, समय उचित हो और सामग्री शुद्ध हो। अब मामा जी, ये शुद्ध सामग्री से क्या मतलब है?
शुद्ध सामग्री से मतलब है कि लकड़ी में कीड़ा ना लगा हो, पतली हो और जलने पर कोयला ना बने, सीधे राख बन जाए। घी को गर्म करके और छान के उसमें सुगंधित पदार्थ मिला लेने चाहिए। उसी तरह से सामग्री में तुलसी के पत्ते, तुलसी के बीज, नीम की निम्बोली, खूबकला और जायफल आदि औषधियों वाली चीज़ों को मिला लेना चाहिए। इन सब चीज़ों को शामिल करने से पहले इन्हें धो छान कर शुद्ध कर लेना चाहिए। मामा जी, आपके अनुसार कौन सी लकड़ी ठीक है और क्यों? आम, धाक, पलाश, चंदन, देवदार और साल की लकड़ी उपयुक्त मानी गई है। इन सभी में औषधीय गुण पाए जाते हैं। हवन सामग्री में क्या क्या पदार्थ डालने चाहिए? हवन सामग्री में चार प्रकार की चीजें डालनी चाहिए। सुगंध पैदा करने वाली, पुष्टिकारक, मीठी चीजें और औषधियाँ। हवन के करने का सही समय कौन सा होता है, ये भी तो बताओ। हवन करने का सबसे अच्छा समय सूरज निकलने के बाद और सूरज छिपने से पहले का होता है। ऐसा क्यों? किसी को दिन में टाइम ना मिले तो? सूरज की रोशनी में पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, जिसमें वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। और हवन में जो थोड़ी सी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है, वह दिन में पेड़ पौधों द्वारा सोख ली जाती है। इसलिए हवन सूरज के रहते ही करना चाहिए। फिर भी इतना सारा देसी घी, मेवे, मिठाइयाँ, औषधियाँ हम जलाकर वेस्ट करते हैं। इससे तो अच्छा होगा कि हम ये सब सामान किसी को खाने के लिए दे दें। साइंस भी कहता है कि मैटर कभी नष्ट नहीं होता, और अग्नि में डाली हुई चीजें अपने अणुओं में बढ़कर वायुमंडल में फैल जाती हैं और दूर दूर तक फैलकर दुर्गंध को नष्ट करती हैं। अब खिलाने पिलाने से तो एक ही आदमी का भला होगा ना, और उतनी ही सामग्री में हवन के माध्यम से असंख्य जीवों का उपकार होगा। लेकिन केसर और इत्यादि चीजें भी तो घर में रखने से घर सुगंधित हो सकता है ना पिताजी? हाँ, हो तो सकता है बेटा। तो फिर इतना बड़ा आयोजन करने की क्या आवश्यकता है? क्यों सुबोध? इसलिए कि इत्र की खुशबू में वो ताकत नहीं जो घर की दूषित हवा को बाहर निकाल सके, उसमें वो भेदक शक्ति नहीं जो हवन की अग्नि से पैदा होती है। लेकिन ये काम तो मंत्रों का शोर किए बिना भी किया जा सकता है, मन ही मन ईश्वर को याद करके। वैसे भी हम धर्म के नाम पर बहुत प्रदूषण फैलाए करते हैं। मंत्र याद हो जाने से शास्त्रों का संरक्षण होता है, और जब मनुष्य मंत्र बोल रहा होता है तो वह ईश्वर के और नजदीक होता है। अवश्य ही हर स्थान पर लाउडस्पीकर लगाना जरूरी नहीं है। मामा जी, हवन से स्वास्थ्य लाभ होता है, क्या इसका कोई वैज्ञानिक आधार भी है? हवन की सामग्री के जलने से जो गैसें पैदा होती हैं, उनमें कीटाणुओं को मारने की ताकत होती है। वैज्ञानिकों का मत है कि घी को जलाने से कीटाणु मरते हैं। जलती हुई शक्कर में वायु को शुद्ध करने की ताकत होती है, और सूखे मेवों के धुओं में टाइफाइड के जीवाणु जीवित नहीं रहते। क्या किसी वैज्ञानिक ने भी इन बातों को माना है? क्यों नहीं, 1895 में चेन्नई के सैनिटरी कमिश्नर डॉक्टर कर्नल किंग ने कहा था कि घी और चावल में केसर मिलाकर आग में डालने से प्लेग के रोग से बचा जा सकता है, और उन्होंने वहां खुद बड़ी संख्या में हवन कराए। सूरत शहर में भी बाढ़ के बाद भारी संख्या में हवन कराए गए, और बाढ़ के बाद एक भी महामारी का केस नहीं मिला। इतना ही नहीं, आज हवन का भारत सहित अनेक देशों में एक वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के रूप में उपयोग हो रहा है। मुंबई के डॉक्टर तारा सिंह हवन के माध्यम से अनेक रोगों का सफलतापूर्वक इलाज कर रहे हैं। यज्ञ की पद्धति है ये, जो हम औषधियों को हाई पोटेंसी की गैस तैयार करके तेज ज्वाला में औषधियों को हम डालते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ वेद मंत्रों के साथ में, हम पढ़ के वेद मंत्रों के साथ में उनकी आहुति देते हैं। उसके बाद में जो गैस बनती है उसमें तीव्र गैस, और वो गैस के पास में हम रोगी को बिठाते हैं, और उसके बाद में प्राणायाम भी करवाते हैं। तो उनके जो सूक्ष्म परमाणु हैं श्वास के द्वारा लंग्स में जाते हैं, फेफड़ों में जाकर के वायु सेल्स, वायु जो कोश होते हैं उनमें जाकर के जमा हुआ विजातीय द्रव्य या टॉक्सिन्स या कफ वगैरह जमा हुआ है वो लिक्विड वेस्ट में पिघलता है, और वहाँ से ये पूरा सफाई कफ के द्वारा, पसीने के द्वारा, ये इस तरह टूट फूट जो है हमारे शरीर में से बाहर निकलती रहती है। मेरे कमर में बहुत दर्द था, हमने ऑपरेशन का तैयारी तो कर दिया, मगर लास्ट में जो पेज में जब साइन करने के लिए मेरे बच्चे लोग ने देखा तो वहाँ पे लिखा था कि हम इसका चलने का गारंटी नहीं दे रहे, और यहाँ आने के बाद मैं 16 दिन में खुद ब खुद चली गई। कमजोरी बहुत थी ज़्यादा, 5-6 महीने के बाद में हमें पता चला कि ये चल नहीं पाती, कुछ नहीं कर पाती थी, सिर्फ सीधी लेटी रहती थी। यहाँ पे आने में इसको बैठने भी हो गया, और आजकल चलने की भी कोशिश कर रही है, और घर में वॉकर है, वॉकर से भी चलने लग गई अभी तो। मेरे हस्बैंड ऑफिस जाते थे तो मैं रोती थी कि शायद इनको आने तक मैं हूँ या नहीं।
तीन महीने में इधर आई तो मैं अपना बीमारी ही भूल गई थी। तीन महीने बाद जब मैं अपने हॉस्पिटल में वापस गई तो डॉक्टर ने मेरा ईसीजी देखा तो ईसीजी पकड़ के वो खड़े हो गए, बोलते ये आपका नहीं है, चेंज हो गया होगा शायद। तो डॉक्टर ने बोला अभी आप दवाई बंद कर दीजिए, अब आप एकदम स्वस्थ हैं, आपका जो ईसीजी है और एक्सरे सारा टेस्ट दोबारा कराया उन्होंने, सब नॉर्मल था और मैं दोबारा मेरी ज़िंदगी मुझे मिली। मैं 1999 अगस्त में मुझे पैदल एक्सिस का अटैक था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं। यहाँ आने के बाद में तीन चार महीने में मुझे इतना फायदा हो गया कि मैं उठने बैठने लग गया नीचे जमीन से। अरे वाह, ये तो वाकई में आश्चर्यजनक है। सामग्री के जलने से ऐसा क्या होता है जिससे वातावरण शुद्ध हो जाता है? हवन की आग का तापमान लगभग 500 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर विभिन्न रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिनमें मेनली फॉर्मेल्डिहाइड गैस, पानी, अम्ल, अल्कोहल और सुगंध पैदा करने वाले पदार्थ पैदा होते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड गैस एक शक्तिशाली कृमिनाशक है। यह रोगियों के कमरे को कीटाणु रहित करने के काम में लिया जाता है। फॉर्मेल्डिहाइड लैंप कभी इसी काम के लिए विकसित की गई थी। हवन के तापमान पर अल्कोहल फॉर्मेल्डिहाइड गैस में बदल जाता है। कपूर का धुआं रोगाणुनाशक है। कपूर की गोलियों को कपड़ों को कीड़ों से बचाने के लिए हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। हवन में अनेक प्रकार के हाइड्रोकार्बन भी पैदा होते हैं जो रोगाणुनाशक हैं। इसी तरह से चंदन, नीम, कपूर आदि का धुआं भी रोगाणुनाशक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम रोज हवन करें तो सारे संसार से अनेक बीमारियां दूर हो जाए और सारे विश्व में खुशहाली और शांति का वातावरण होगा, क्यों सुबोध? बिल्कुल मामा जी, कहते हैं हवन में वर्षा कराने की शक्ति होती है, क्या ये बात एक कपोल कल्पना नहीं लगती? हाँ भाभी, ये तो बिल्कुल जादू टोने जैसी बात लगती है। आजकल कितने तांत्रिक तो हवन से बिगड़े हुए काम मुकदमे में जीत और व्यापार में लाभ दिलाने की गारंटी भी देने लगे हैं। ऐसी गारंटी देना धोखाधड़ी है। हवन एक वैज्ञानिक क्रिया है। हवन के धुएं में धूल कणों की बहुलता होती है और लकड़ी के जलने से भी कार्बन धूल बनती है। इन धूल कणों के चारों ओर पानी जमने से आकाश में बादल बनता है। वैज्ञानिकों का मत है कि ये धूल कण हवा को तेजी से ठंडा करते हैं, जिससे सामान्य से अधिक तापमान पर ही हवा ठंडी हो जाती है और हवा में जल को रोकने की ताकत नहीं रह जाती तथा जल बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिर जाता है। इस तरह हवन वर्षा कराने में सहायक होते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों का अवशिष्ट तो खुद ही जल प्रदूषण करता है। अक्सर लोग हवन की राख और पूजा के फूलों के साथ दूसरा कचरा भी नहरों नदियों में फेंकते हैं। हवन की बची हुई चीजें बहुत ही उपयोगी होती हैं, उन्हें जलधाराओं में फेंकना नहीं चाहिए। आहुति से बचे घी में औषधीय गुण होते हैं। हवन की राख को पानी में मिलाकर कीट रोधक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है तथा हवन की राख को खाद के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। भैया, लेकिन जिस प्रकार महंगी सामग्री और बर्तनों का विधान बताया जाता है उसे गरीब आदमी तो हवन कर ही नहीं सकता, तो उसकी उन्नति कैसे होगी मामा जी? हवन में प्रत्येक क्रिया का एक वैज्ञानिक आधार भी है और तांबे के बर्तन इसलिए लिए गए हैं क्योंकि तांबे में रोगाणुओं को नष्ट करने की शक्ति है। मैं एक बात पूछूं, आप लोग हंसना नहीं है? हाँ, पूछो, नहीं हंसेंगे। क्या मैं वेस्टर्न कपड़े पहनकर हवन में बैठ सकती हूँ? जहाँ तक कपड़ों का प्रश्न है तो वह साफ और सुविधाजनक होने चाहिए ताकि आप आराम से हवन में बैठ सकें। और वैसे सभी भारतीय परिधान हवन के लिए उपयुक्त हैं। क्या सबसे आगे बैठकर आहुति देने वालों को पीछे बैठे हुए लोगों से ज्यादा पुण्य मिलता है कि बड़े बड़े आयोजनों में मुख्य वेदी पर बैठने की होड़ लगी रहती है? इसका जवाब मैं देता हूँ। बस में कोई कहीं भी बैठा हो, पहुँचते तो सब एक साथ ही है ना। इसलिए मुख्य वेदी पर बैठने की होड़ नहीं होनी चाहिए। मामा जी, कई जगहों पर चमड़े की बेल्ट को उतार कर हवन में बैठने के लिए कहा जाता है। जब पूरा मानव शरीर ही चमड़े का है तो एक बेल्ट को उतारने का क्या औचित्य रह जाता है? मानस, इसमें जानवरों को न मारने का संदेश है क्योंकि चमड़ा तो किसी जानवर को मारकर ही प्राप्त किया जा सकता है ना। राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मामा जी, क्या सभी लोग हवन कर सकते हैं? हाँ उमा, सभी लोग हवन कर सकते हैं। वेदों ने तो मनुष्य मात्र को हवन करने का अधिकार दिया है। मामा जी, आज हमें अपनी संस्कृति के एक महत्वपूर्ण अंग अग्निहोत्र अर्थात हवन के सच्चे रूप का पता चला। हवन की सारी चीजें कितनी वैज्ञानिक और तर्कसंगत हैं, है ना? थैंक यू मामा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, हवन तो राष्ट्र और विश्व का कल्याण करने वाला है। निसंदेह।
दैनिक यज्ञ एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जिसमें मात्र 12 से 14 मिनट का समय लगता है और इतने थोड़े से समय दान से हमें स्वस्थ तन, स्वस्थ मन और स्वस्थ पर्यावरण मिलता है और हमारा हर दिन परोपकार की भावना के साथ शुरू होता है। तो आइए देव ऋण उतारें, पर्यावरण संवारें। WHO के अनुसार दिल्ली दुनिया का तीसरा और भारत का पहले नंबर का सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। WHO की पब्लिक हेल्थ चीफ मारिया नेरिया के अनुसार वातावरण में प्रदूषण अगर 10% होता है तो स्थिति सामान्य समझी जाती है, जबकि यही आंकड़ा भारत के लिए 40% रखा गया है। और आपको जान के हैरानी होगी कि जयपुर में यह आंकड़ा 100% है, जोधपुर में 101% है तथा दिल्ली का क्या होगा इसका अंदाजा आप स्वयं लगा सकते हैं। एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो ने अपने शोध में बताया कि प्रदूषित हवा ने 66 करोड़ भारतीयों की उम्र में 3 साल कम कर दिए हैं। इसी रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली की हवा बीजिंग की हवा से 300%, बर्लिन से 700%, पेरिस से 900%, लंदन से 1000% और न्यूयॉर्क से 1100% ज़्यादा खतरनाक है। लैंसेट ग्लोबल हेल्थ बर्डन ने 2013 में अपनी रिपोर्ट में भारत में वायु प्रदूषण को मौतों की 6ठी बड़ी वजह माना। अकेला अमरीका 27 करोड़ टन दूषित तत्व हर वर्ष वातावरण में छोड़ता है, जिसमें वह सबसे खतरनाक गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, मोटर कारों से 6 करोड़ 50 लाख टन, कल कारखानों से 20 लाख टन व घरेलू कूड़े से 17 लाख टन पैदा करके वातावरण में छोड़ता है। वातावरण को दूषित करने वाली दूसरी खतरनाक गैस है सल्फर डाइऑक्साइड। यह कोयले और तेल के जलाने से पैदा होती है। इस गैस से वातावरण में ऐसे कोहरे का निर्माण होता है जो सूर्य की रोशनी को जमीन तक नहीं आने देता है, और जब बारिश होती है तो यह गैस बारिश के जल के साथ रासायनिक क्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है, जिसके कारण जब यह बारिश धातुओं पर गिरती है तो उनमें जंग लगता है, वनस्पतियां झुलस जाती हैं तथा पक्षियों के पंख तक जल जाते हैं। तीसरा विषैला तत्व है फ्लोराइड। यह वह तत्व है जो दुनिया के सारे वृक्षों को नष्ट करने में सक्षम है। इस पर हुए वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जब इस तत्व के भारी यौगिक पेड़ पौधों पर और घास पर गिरते हैं तो उस घास को खाने वाले जानवरों में फ्लोराइड के बढ़ने से फ्लोसिस रोग हो जाता है, जिसके कारण उनमें वजन घटने लगता है तथा अर्थराइटिस हो जाता है। इस तत्व के बारे में फ्रांस के वैज्ञानिकों का कहना है, अगर इस तत्व को वातावरण से कम नहीं किया गया तो एक दिन ऐसा आएगा कि वहां पाए जाने वाले सदाबहार के वृक्षों में से एक वृक्ष भी नहीं बचेगा। चौथा विषैला तत्व है कार्बन मोनोऑक्साइड। इसकी घातक शक्ति का अंदाजा उस समय हुआ जब 1965 में अमेरिका के क्लीवलैंड शहर के एक अस्पताल में दुर्घटनावश एक्सरे फिल्म में आग लग गई। उसके धुएं ने कुछ ही घंटों में 125 लोगों की जान ले ली थी। इसी प्रकार विभिन्न गैसें हवा में मिलकर ऐसे रासायनिक कोहरे को जन्म देती हैं जिसके कारण 1952 में लंदन में 4000 लोगों की एक ही दिन में दम घुटने से मौत हो गई थी। भारत की एक संस्था एक्यूपेशनल एंड एनवायरमेंट हेल्थ की रिपोर्ट के अनुसार अकेली दिल्ली में बेंजीन की मात्रा तयशुदा पैमाने से 10 गुना ज्यादा है, और इस वायु प्रदूषण से दिल्ली में हर रोज 23 लोगों की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मौत हो रही है। एक दूसरे सर्वे के अनुसार दिल्ली के आनंद विहार और कौसाम्बी के लोगों का कैंप लगाकर हेल्थ चेक किया गया, जिसके नतीजे चौंकाने वाले थे। वहां पर 100 लोगों में से 80 लोगों के फेफड़े संक्रमित पाए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार हर चौथा ट्रैफिक पुलिसकर्मी सांस की बीमारी के चपेट में आ चुका था, और अकेले भारत में सिर्फ वाहनों से प्रतिदिन 630 टन सल्फर डाइऑक्साइड, 720 टन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2040 टन कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, और वाहनों के धुएं से निकलने वाली एथिलीन गैस पेड़ पौधों के उन फूलों को नष्ट कर देती है
जिनके बाद पेड़ पौधों में फल लगते हैं। पुणे की एक संस्था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी के प्रमुख अनुसंधानकर्ता सचिन घुड़े की रिपोर्ट के अनुसार एक आम भारतीय की उम्र में प्रतिवर्ष 3 से 4 साल कम हो रहे हैं। उनके अनुसार दिल्ली के लोगों की उम्र 6.3 साल घट रही है, पश्चिम बंगाल की 6.1 साल तथा बिहार के लोगों की उम्र 5.7 साल घट रही है। भारत की एक और संस्था सेंटर फॉर एनवायरनमेंट एंड एनर्जी डेवलपमेंट के सीईओ रमापति कुमार के सानिध्य में दिल्ली में एक अभियान चलाया गया जिसका नाम हेल्प दिल्ली ब्रीथ था। इस अभियान में रमापति कुमार ने कहा कि हम सोलर रूफटॉप प्रोग्राम से 1.6% ही रूफसेट का प्रयोग करके 2 गीगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। ऐसा करके हम हर वर्ष 20 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से कम कर सकते हैं। इस वायु प्रदूषण का प्रभाव इतना भयानक है कि मथुरा की रिफाइनरी की एसिड लपटों से आगरा का ताजमहल हर वर्ष अपनी चमक खोता जा रहा है और इंद्रप्रस्थ के बिजली घर में कोयले की खपत की राख से लाल किला इस कदर प्रभावित है कि वह लाल किला न रहकर काला किला बनता जा रहा है। 1947 में भारत की कुल जमीन का 71% भाग केवल जंगलों के पास था, परंतु आज ये 21% रह गया है। पर्यावरण वैज्ञानिकों का मानना है कि शुद्ध वायु की दृष्टि से 33% भूभाग पर तो जंगल होने ही चाहिए। वायु प्रदूषण पर काम करने वाले वैज्ञानिकों के अनुसार वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड 2% की दर से बढ़ रही है और पिछले 50 सालों में पृथ्वी का तापमान 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ गया है। वैज्ञानिकों का कहना है अगर पृथ्वी के तापमान में 3.6 सेंटीग्रेड की बढ़ोतरी अगर हो गई तो इसका परिणाम इतना भयानक होगा कि अटलांटिका की सारी बर्फ पिघल जाएगी और समुद्र की सतह 100 मीटर ऊंची हो जाएगी, जिसके कारण पूरी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। अगर ये बढ़ोतरी अगर इसी दर से होती रही तो यह स्थिति 108 वर्षों के बाद आ सकती है। इतना सब होने के बाद ऐसा नहीं है कि दुनिया के देश वायु प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नहीं करते हैं। दुनिया में अकेला अमेरिका प्रतिवर्ष 8 अरब 40 करोड़ रुपए वायु प्रदूषण को कम करने के लिए खर्च कर देता है। इतना खर्च करने के बाद भी अमेरिका में 40 से 60 वर्ष के व्यक्तियों में से 5 में से 1 व्यक्ति सांस नली के रोगों से प्रभावित है। इतना भारी भरकम खर्च करने के बाद भी दुनिया के बड़े से बड़े देश इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रहे हैं, इसलिए वह सारे देश भारत के ऋषि मुनियों की देन यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस यांत्रिक सभ्यता में फंसकर हम प्रकृति के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उसके कारण आज हमारा विकास ही हमारा विनाश बनता जा रहा है। अमेरिका के मनोवैज्ञानिक डॉक्टर बैरी रेनरथ, जो पुणे के विश्वविद्यालय में यज्ञ पर शोध कर चुके हैं, उनके शोध के अनुसार यज्ञ से वातावरण और शरीर पर चमत्कारी चिकित्सीय प्रभाव पड़ता है जिसका आयुर्वेद में स्पष्ट उल्लेख है। भारत के सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी ने भी सिद्ध किया कि यज्ञ से जो फार्मिंग एल्डिहाइड गैस उत्पन्न होती है वह मनुष्य के लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा लाभकारी और स्वास्थ्यवर्धक है। हमारे ऋषि मुनियों के 200-300 वर्ष तक जीने के पीछे इस गैस का बहुत बड़ा योगदान था, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि नियमित यज्ञ करके इस गैस को प्रचुर मात्रा में वातावरण में भर देते थे। दुनिया के देशों का रुझान यज्ञ की तरफ देखकर भारत के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान केंद्र लखनऊ ने भी यज्ञ के ऊपर एक शोध किया और जानने का प्रयास किया कि यज्ञ वास्तव में लाभकारी है या नहीं है। इसके लिए उन्होंने वैदिक ग्रंथों में वर्णित सामग्री को जुटाया और उसे जलाया तो पाया कि यह सामग्री विषाणुनाशक है। इस प्रयोग के लिए उन्होंने यज्ञ में प्रयोग होने वाली आम की लकड़ी को
एक कक्ष में जलाया तो पाया कि कक्ष में विषाणुओं की संख्या में कोई कमी नहीं आई है, परंतु जब उन्होंने उसे यज्ञ की तरह जलाया और उसके ऊपर घी और सामग्री को डाला तो पाया कि कक्ष में बैक्टीरिया का स्तर 94% तक कम था। इसके बाद कक्ष के सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए गए और 24 घंटे बाद फिर से जीवाणुओं के स्तर की जांच हुई तो जीवाणुओं का स्तर 93% था। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब एक माह के बाद उस कक्ष में जीवाणुओं के स्तर को नापा गया तो जीवाणुओं का स्तर सामान्य से भी बहुत कम था। यह शोध एंथ्रोफार्माकोलॉजी के शोध पत्र में दिसंबर 2007 में छप चुका है। इसी प्रकार भारत की एक और संस्था इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नैनीताल भी यज्ञ के ऊपर शोध कर चुका है। उनके अनुसार यज्ञ से गंभीर रोगों का उपचार भी संभव है। इसके लिए उन्होंने 7 सीडी की एक सीरीज बनाई है कि किस प्रकार के रोग में किस प्रकार की सामग्री के साथ यज्ञ करें। परंतु इस प्रकार की जानकारियां तो हमारे वेदों में प्रचुर मात्रा में भरी हुई हैं। आज हमें आवश्यकता है तो उन्हें निकालकर दोबारा प्रचार करने की। नियमित यज्ञ के करने से फॉर्मिंग एल्डिहाइड के साथ साथ एक नेपोथिलीन नामक पदार्थ और भी निकलता है, जिसके कारण हमारे कपड़ों में कभी भी फंगस नहीं लगता है। और यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों के कभी कपड़े खराब नहीं होते थे। आज भी जिन घरों में नियमित यज्ञ होता है उन घरों के लोग कभी भी अपने कपड़ों में कपूर दबाकर नहीं रखते हैं। आज के आधुनिक विकास के कारण बढ़ते पर्यावरण प्रदूषण का विध्वंसकारी रूप को देखकर तथा यज्ञ के महत्व को जानकर यूरोपियन देशों में अब एक मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें वो सभी लोगों को यज्ञ के लिए प्रेरित करने के लिए अपने वाहनों पर एक स्टिकर लगाकर घूमते हैं जिस पर लिखा होता है हील एटमॉस्फेयर परफॉर्म द अग्निहोत्रा, अर्थात यज्ञ करो और वातावरण को ठीक करो। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि कितने वैज्ञानिक थे इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि जो यज्ञ करते थे उसमें प्रयोग होने वाली सामग्री, समिधाओं या लकड़ियों का चुनाव व यज्ञ कुंड का डिजाइन भी पूरा वैज्ञानिक था। दैनिक यज्ञ करने की परंपरा की सीरीज का ये दूसरा वीडियो है, और अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, वहां से आप पहला वीडियो जरूर देख लें ताकि इस वीडियो को आप अच्छे से समझ सकें। इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा यज्ञ का वो विज्ञान जिसे आज के आधुनिक विज्ञान ने भी सिद्ध किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अथ कांडम प्रवक्ष्यामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखम्। यज्ञ के ऊपर शोध करने वाले वैज्ञानिकों में फ्रांस के वैज्ञानिक टुले का नाम प्रथम है। उन्होंने अपने शोध में सिद्ध किया कि यज्ञ करने के दौरान यज्ञ कुंड से फार्मिंग एल्डिहाइड नाम की गैस निकलती है, और यह गैस वातावरण में मौजूद सभी हानिकारक बैक्टीरिया और जहरीले तत्वों को नष्ट करने में सक्षम है। उनके इसी शोध के बाद दुनिया को इस गैस के बारे में पता चला था। फ्रांस के दूसरे वैज्ञानिक हैं ट्रिवल्ट। वो कहते हैं कि यज्ञ की सामग्री में जो थोड़ी सी शक्कर मिलाई जाती है उसको यज्ञ में जलाने से चेचक, हैजा और क्षय रोगों के विषाणु वातावरण से तुरंत प्रभाव से मर जाते हैं। यज्ञ के ऊपर शोध करने वाले तीसरे बड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर हेफकिन, जिन्होंने चेचक के टीके का आविष्कार भी किया था। उनके अनुसार यज्ञ में गोघृत डालने से पेट के कीड़ों के जीवाणु मर जाते हैं। वो कहते हैं कि आयुर्वेद चिकित्सा के चिकित्सक तो पुरातन काल से ही घृत को कृमिनाशक मानते थे। वो आगे कहते हैं कि आयुर्वेद के अनुसार भी सभी घृतों में गोघृत सबसे उत्तम होता है, इसलिए भारत में हजारों सालों से गोघृत ही खाया जाता रहा था। यज्ञ के ऊपर शोध करने वाले एक और प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं
जिनका नाम डॉक्टर एम ट्रेल्ट है। उन्होंने अपने शोध में सिद्ध किया कि यज्ञ में मीठे फल जैसे किशमिश, मुनक्का, सेब आदि को सुखाकर जलाने का विधान भी पूरा वैज्ञानिक है। उनके अनुसार जब मीठे फलों को सुखाकर जलाया जाता है तो उनसे पैदा हुई गैस में टाइफाइड जबर के विषाणु 30 मिनट में तथा अन्य जीवाणु 2 घंटे में खत्म करने की क्षमता होती है। अमेरिका के रेंडल टाउन के मैरीलैंड की वैज्ञानिक डॉक्टर लेडी लिंडका का शोध अग्निहोत्र स्थापना सिद्ध करता है कि हवन से चिकित्सा भी संभव है। उनका ये शोध पूरे अमेरिका में ख्याति प्राप्त है। उनके शोधकर्ताओं का कहना है कि हवन तो लाभकारी है ही, हवन की भस्म का भी चमत्कारी परिणाम है। पश्चिमी जर्मनी के डॉक्टर बर्टहोल्ड चेहल ने हवन की भस्म के ऊपर गहन अनुसंधान किया और वो कहते हैं कि ये साधारण सी दिखने वाली राख दुनिया की सबसे अच्छी औषधियों में से एक है। जब उन्होंने होम्योपैथी विधि द्वारा इसका परिणाम देखा तो वो कहते हैं कि यह एलोपैथिक दवाओं के दुष्प्रभाव को भी खत्म करने की क्षमता रखती है। उन्होंने सिर्फ इस भस्म से मलहम, आईड्रॉप, क्रीम पाउडर आदि उत्पाद बनाए हुए हैं जो कि आज पूरे जर्मनी में बिकते हैं। यज्ञकुंड के ऊपर हुए वैज्ञानिक शोधों के अनुसार यज्ञकुंड में न तो बहुत अधिक और न बहुत कम वायु प्रवेश कर पाती है, जिसके कारण यज्ञकुंड के नीचे के हिस्से का तापमान 300 तथा ऊपर के हिस्से का तापमान 1300 डिग्री तक का होता है और यह तापमान यज्ञकुंड में प्रयोग की जाने वाली सामग्री की हर वनस्पति को जलाने के लिए अनुकूल होता है।